हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 7 त्रिभुज। आज हम त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी, आज इसका बेसिक इंफॉर्मेशन बेसिक नॉलेज हम सीखेंगे। विद्यार्थियों, इस त्रिभुज के बारे में आपको मैं आज कुछ बताने से पहले फिर कहना चाहूंगा कि आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो पूरा देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो विद्यार्थी देख रहे हो, त्रिभुज के बारे में हम आपको सामान्य जानकारी दे रहे हैं। ये हमारा ए बी सी ए त्रिभुज है। त्रिभुज किसे कहते हैं? पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा है तीन भुजाओं से घिरी किसी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हमारी ये बंद आकृति है, खुली नहीं होनी चाहिए। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, ट्राइंगुलर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, राइट। किसी भी त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती है, अर्थात त्रिभुज के तीन अवयव होते हैं, शीर्ष कोण और भुजाएं। तीन शीर्ष, तीन कोण, तीन भुजाएं। हमारा त्रिभुज का नाम है एबीसी। ये हमारा त्रिभुज का नाम क्या है? एबीसी। इस दी गई आकृति में देखो कौन कौन से शीर्ष है, तीन शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। तो लिखेंगे शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। तो ये ए, ये बी, ये सी हमारे क्या हो गए? तीन शीर्ष हैं तथा तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। यह कोण ए, यह कोण बी, यह कोण सी। इसके बाद देखो तीन भुजाएं होती है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। इस भुजा का नाम ए बी, इस भुजा का नाम बी सी, इस भुजा का नाम ए सी। ए बी बोलो चाहे बी ए, बी सी बोलो चाहे सी बी, और ए सी बोलो सी ए बी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम ये ए बी, ये बी सी और ये ए सी हमारे पास क्या हो गई? तीन भुजाएं। तो आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया कि त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी किसी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन कोण और तीन भुजाएं होती है। आगे बढ़िए पॉइंट नंबर दो। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। यह आपको बड़ा जरूर याद करना, एक सवाल आता है इस पर। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, इसी का विलोम होता है, ध्यान देना। देखो ध्यान देना, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। हमारी ये उपरोक्त आकृति त्रिभुज की है, इसमें देखो इस ए बी को और बी सी को जोड़ूंगा, तो ये ए बी और बी सी का जोड़, तो ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, अर्थात ए बी और बी सी का जोड़ ए सी से अधिक होगा। ये ए बी और बी सी, ए बी और बी सी दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो इनका जो जोड़ होगा इस ए सी से अधिक होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, बी सी प्लस ए सी, बी सी और ए सी को जोड़ देंगे तो इन दोनों का जोड़ इस ए बी से अधिक होगा। इसी प्रकार ए सी और ए बी को जोड़ेंगे, ए सी और ए बी दोनों भुजाओं को यदि हम जोड़ दें तो इनका जोड़ किससे अधिक होगा? बी सी से अधिक होगा। तो आपने क्या समझा? किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक नहीं होता तो फिर त्रिभुज का निर्माण भी संभव नहीं है, हम त्रिभुज नहीं बना सकते। तो पॉइंट नंबर वन हो गया, पॉइंट नंबर टू हो गया, अब देखिए पॉइंट नंबर थ्री। ध्यान देना, त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण, छोटी भुजा के सामने छोटा कोण तथा बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण होते हैं।
जैसे मान लो हमारे पास है बच्चों ये एक त्रिभुज है, इसका नाम एबीसी है राइट, ये हमारा समकोण है और ये हमारा 40 डिग्री है और ये हमारा 50 डिग्री है राइट। तो क्या लिखा, त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण। अब देखो इसमें बड़ी भुजा कौन सी ऐसी है, एसी के सामने कोण कितना है 90 डिग्री। तो बड़ी भुजा को ये 50 या 40 और ये कितना 90, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। और ध्यान देना ये हमारे पास ये छोटी भुजा है, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण ये आपको सीखना है, बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण होता है और छोटी भुजा के सामने छोटा कोण होता है। बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण होते हैं, आए समझ में, बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण और छोटी भुजा के सामने छोटा कोण, बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण होते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 4, इसका विलोम। त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, देखो ये 90 डिग्री का कोण है सबसे बड़ा तो ये सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे छोटा कोण 40 डिग्री का है तो सी के सामने कोण ए सी कोण के सामने भुजा ए भी है। त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है तथा बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये भी आपको याद करना है, किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और इसी प्रकार छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है और बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब आपको समझ आएगा बराबर के सामने बराबर, बड़े के सामने बड़ा और छोटे के सामने छोटा, ये बातें मत भूल देना। इस पर दो नंबर का एक सवाल जरूर आपके आता है और आप इसको नियम्स को याद करना। अब देखिए बच्चों इसका पॉइंट नंबर 5, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान माप की होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, अभी हमने आपको सिखाया था। ध्यान देना बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण होते हैं ठीक है, और बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा समान होती है राइट, तीनों भुजा समान होगी तो तीनों कोण भी क्या होंगे, समान माप के। तो प्रत्येक कोण कितना होगा, चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, हमने आपको परिभाषित करवाई थी कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो प्रत्येक कोण कितना होगा, हम 180 में 3 का भाग दे लेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 6 बार, 0 उतार लिया 0, 60 बार। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो मैं आशा कर सकता हूं कि आज बताए गए आपको ये 500 पॉइंट अच्छी तरह समझने आए होंगे। अब इसके बाद में हम अगला पॉइंट सीखेंगे पॉइंट नंबर 6 से। देखिए बच्चों इसका 6 पॉइंट, सर्वांग सम आकृतियां, वे आकृतियां जिनका आकार तथा माप समान हो, यानी उनका आकार भी समान हो और उनका माप भी समान हो, उन्हें हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। किसे, जिनका आकार तथा माप समान हो। जैसे मान लो ये हमारे पास एक त्रिभुज है ठीक है, ए बी सी, ये हमारे पास दूसरा त्रिभुज है मान लो पी क्यू आर। अब ये भी त्रिभुज है ये भी त्रिभुज है, इसका दोनों का आकार तो समान हो गया क्योंकि दोनों ही त्रिभुज है, एक त्रिभुज और एक वर्ग कभी सर्वांग सम नहीं हो सकते, ये दोनों का आकार अलग हो गया। तो सर्वांग सम की जो आकृति होती है उसकी पहचान क्या होती है, उनका आकार तथा माप समान होना चाहिए। तो यहाँ आकार तो समान हो गया, ये ए बी सी भी त्रिभुज है, पी क्यू आर भी
त्रिभुज है, आकार समान हो गया। अब माप समान होना चाहिए। मान लो ये हमारे पास 3 सेमी की, ये 4 सेमी की, ये 5 सेमी की, ये 3 सेमी की, ये 4 सेमी की और ये 5 सेमी की। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग समूह हो गए, राइट। इन दोनों त्रिभुजों के देखो यहाँ पे आकार समान है, मतलब त्रिभुज है, और दोनों का माप समान है। ये 3 सेमी तो ये भी 3, ये 4 तो ये भी 4, और ये 5 तो ये भी 5। मान लो यहाँ पे मैं कर दूं 6 सेमी, इसका मतलब ये सर्वांग समूह आकृति नहीं है। सर्वांग समूह आकृति का मतलब है कि दोनों आकृतियों का आकार और माप समान हो, अर्थात दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले। मान लो आपकी मैथमेटिक्स की बुक है, आप अपने किसी साथी की, अपने ही क्लास की मैथमेटिक्स की बुक लो, एक के ऊपर एक रख लो, वो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेगी, न तो आगे न पीछे, राइट। इसी प्रकार मान लो कि कभी कभी आपने देखा है कि आपकी बॉल पेन है, ऐसा समझ में, उसके अंदर जो आप रिफिल डालते हैं, कभी आपकी रिफिल खत्म हो जाती है और आप नई रिफिल लाते हो, आप उसमें डालते हो, वो सेफ नहीं हो पाती है, या तो बाहर निकली हुई रहती है, या छोटी पड़ जाती है, या मोटी रहती है, या पतली रहती है। क्यों? क्योंकि वो दोनों सर्वांग नहीं है। मानो किसी साल कोई 2 रुपए का सिक्का नया निकला या 5 रुपए का नया सिक्का निकला, तो वो सिक्का सर्वांग होगा, चाहे आप कितने सिक्के लाओ 5 रुपए के, उसी साल जो निकले थे एक के ऊपर रख लो आप, वो सर्वांग होंगे। आपकी मान लो कि आपकी, आपने कोई कॉपी खरीदी, समान एक ही प्रकार की कॉपियां खरीदी दुकानदार से, अब आप एक कॉपी को दूसरे के ऊपर रख लो, वो पूरा पूरा कवर कर लेगी, पूरा पूरा ढक लेगी, तो वो क्या सर्वांग समान। आपकी जैसे ईंटें आती हैं, ईंटें एक के ऊपर एक रख दो, वो भी हमारी क्या सर्वांग आकृति है। तो सर्वांग आकृति किसे कहते हैं? वे आकृतियां जिनका आकार तथा माप समान हो। कभी भी दो विपरीत आकार वाली आकृतियां सर्वांग नहीं होती है। अब मान लो एक होती है समरूप, आपने पिछले कक्षा पढ़ा होगा, 10th में आपके आएगा समरूप। समरूप में क्या होती है बेटा? ये केवल आकार समान होता है, उसमें जरूरी माप समान हो। केवल आकार समान, दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, चाहे वो छोटे बड़े हो, राइट। लेकिन दो त्रिभुज सर्वांग कब होंगे? कि जब उनका माप समान हो। तो आपको समझ में आ गया सर्वांग समूह आकृतियां कब बनती है? वे आकृतियां जिनका आकार तथा माप समान। अब देखिए बच्चों, साथ समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांग समूह होते हैं। मान लो कि हमारे पास ये दो वृत्त है, ये भी 3 सेमी त्रिज्या का है, और हमारे पास ये वृत्त भी 3 सेमी त्रिज्या का है, तो ये चिन्ह किसका होता है? सर्वांग समूह का। ये बराबर लिखे ऊपर ऐसे, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? सर्वांग समूह व्रत होंगे। यदि व्रतों की त्रिज्याएं समान है तो दोनों सर्वांग समूह होते हैं, एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे। समान भुजाओं वाले, ध्यान देना, समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांग समूह होते हैं। मान लो हमारे पास एक वर्ग ये रहा, इसकी भुजा 4 सेमी है, एक वर्ग हमारे पास ये रहा, इसकी भुजा भी कितनी है? 4 सेमी। तो ये दोनों वर्ग कैसे होंगे? सर्वांग समूह होंगे, क्योंकि एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे। यदि त्रिभुज एबीसी तथा पीक्यूआर संगतता, यानी संगत क्रम से, एक संगत पी के है, बी संगत क्यू के है, और सी संगत आर के अंतर्गत सर्वांग समूह है, तो उन्हें सांकेतिक रूप में, यानी संकेत यानी चिन्ह, चिन्ह के रूप में कैसे लिखेंगे? देखो त्रिभुज एबीसी, ये रहा ए, फिर ये रहा बी, ये रहा सी, तो एबीसी सर्वांग समूह, सर्वांग समूह का चिन्ह क्रम से लिखेंगे। ए के संगत क्या है? पी, तो मैंने ए की जगह यहां लिखा पी। बी, बी के संगत क्या है? क्यू, तो बी की जगह क्यू लिखा। और सी किसके संगत है? आर के, तो सी की जगह आर लिखा। तो त्रिभुज एबीसी सर्वांग समूह किसके होगा? त्रिभुज पी क्यू आर के। बच्चों विशेष ध्यान देना, इनकी संगतता का मतलब है क्रम से लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे ए संगत पी के है, तो एक ही जगह पी लिखेंगे।
बी संगत क्यू के तो बी की जगह क्यू लिखेंगे और सी संगत किसके आर के तो सी की जगह हम आर लिखेंगे। तो देखो ए बी सी सर्वांग संघ किसको गया त्रिभुज पी क्यू आर के। किसी बच्चे ने यहां पर लिख दिया मारो भूल से कि यहां पर लिख दिया आर और यहां लिख दिया पी तो ये रोंग होगा। आपने एक के संगत यहां पे क्या लिखा आर जबकि एक के संगत क्या है पी तो इस एक के संगत पी आना चाहिए राइट। और सी सी के संगत कितना आर तो आपने सी के संगत पी लिख दिया ये रोंग हो जाएगा। तो ध्यान देना ये विशेष चीज होती है सर्वांग संघ त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं उन्हों क्रम से लिखते हैं हम। तो एबीसी हमारा सर्वांग संघ त्रिभुज किसके होगा बच्चों पी क्यू आर के पी क्यू आर के। देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 सर्वांग संघ त्रिभुजों की संगत भुजाएं तथा संगत कोण बराबर होते हैं जिसे अभी मैंने आपको सिखाया संगत भुजाएं ए के संगत पी तो ए के संगत पी बी के संगत क्यू तो बी के संगत क्यू सी के संगत आर तो सी के संगत आर। इसी को देखो और बता रहा हूं ये हमारे पास दो त्रिभुज है ए बी सी आर पी क्यू। अब इनको देखो सर्वांग संघ कैसे बनाएंगे यहां पर देखिए ए ए कोण 40 का है और ये पी कोण 40 का है तो ए पी के संगत हो गया बी कोण 60 का है यहाँ क्यू कोण 60 का है तो बी क्यू के संगत हो गया और सी कोण यहाँ सी का है और यहाँ आर कोण सी का है तो सी किसके संगत हो गया आर के। इसका मतलब क्या हो गया ये ए बी भुजा ए बी ये रहे बी पी क्यू के संगत होगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पे बी सी ये रहा बी और ये रहा सी तो ये बी सी किसके संगत होगा क्यू आर के। और इसी प्रकार देखो सी ए ये सी और ये ए तो सी के बराबर आर है और ए के बराबर पी है तो सी ए के संगत आर पी हो जाएगा। इसलिए हमारे त्रिभुज को सांकेतिक रूप में क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग संघ त्रिभुज क्या होगा पी क्यू आर। क्यों होगा क्योंकि ए कोण किसके बराबर होगा पी के और बी कोण किसके बराबर होगा क्यू के और सी कोण किसके बराबर होगा आर के। ऐसे बोले इसी प्रकार देखो ये त्रिभुज ए बी सी ये तीन से भी ये चार से भी ये पांच से भी ये तीन से भी ये चार से भी ये पांच से भी तो यहाँ पे ये ए बी संगत होगा पी क्यू के बी सी संगत होगा क्यू आर के और ए सी संगत होगा पी आर के। तो ये आपको 10 पॉइंट अच्छी तरह समझ आए। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों अब पॉइंट नंबर 11 सीखेंगे। देखिए बच्चों इसका पॉइंट नंबर 11 अब हम सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में ठीक है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं उनकी क्या शर्तें क्या कसौटी होनी चाहिए। तो ये पहला पॉइंट है त्रिभुजों की सर्वांग समता का एस 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 नियम अर्थात भुजा 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 सर्वांग समता का नियम। बच्चों ध्यान देना हमारे पास ये त्रिभुज है राइट ये तो इसकी क्या है भुजाएं और ये इसके क्या होते हैं कोण। भुजाओं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में साइड और कोण को क्या बोलते हैं हम एंगल राइट। तो भुजाएं की जो इंग्लिश होती है एस आई डी साइड साइड यानी किससे शुरू होती है एस से और एंगल इसकी स्पेलिंग ये जो हमने लिखी ये कहां शुरू होती है एस से तो एक और एंगल एंगल यानी कोण और एस और भुजाएं यानी इसकी साइड तो एस का मतलब होता है भुजाएं और एस का मतलब ए का मतलब होता है कोण। तो देखो ध्यान से पहला नियम आता है ट्रिपल एस का नियम एस 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 यानी भुजा 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 सर्वांग समता का नियम। इसके अनुसार क्या होता है कि जब दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाएं बराबर हों तो उन्हें वो दोनों त्रिभुज सर्वांग समता होंगे। जब दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाएं बराबर हों तो दोनों ही त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांग समता हो जाएंगे और ये नियम कौन सा होगा एस 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 नियम होगा। देखो ये त्रिभुज ए बी सी है भुजा तीन सेमी की ए बी भुजा बी सी चार सेमी की और ए सी पांच सेमी की पी क्यू आर है इसमें क्यू आर तीन सेमी की और ये पी आर चार सेमी की और पी क्यू पांच सेमी की है। तो देखो त्रिभुज ये ए बी सी पहला त्रिभुज आप कहीं से शुरू कर लो दूसरा त्रिभुज आप क्रम से लिखा करो ये क्रम से नहीं लिखोगे तो आपका रॉन्ग माना जाएगा। मान लो ये मैं यहां से शुरू कर रहा हूं त्रिभुज का नाम ए बी सी
ये एबीसी। अब देखिए तीन सेमी की है, इसमें तीन सेमी की से क्यू आर, तो ये ए बी हमने कहा शुरू किया एबीसी, ध्यान देना। तो ये एबीसी सर्वांशम होगी क्यू आर पी, इसमें ए बी क्यू आर के बराबर है, बी सी आर पी के बराबर और सी ए पी क्यू के बराबर। तो ये क्रम से लिखना आप। इस प्रकार एस ए एस यानी भुजा कोण भुजा का नियम, इसके अनुसार एक त्रिभुज की दो भुजाएं वह बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं वह बीच के कोण के संगत बराबर हो। बेटा ये संगत शब्द जरूर लिखना, नहीं तो रोंग माना जाएगा, बराबर हो। तो देखो ये त्रिभुज एबीसी में ये कोण बी 40 डिग्री है और पी क्यू आर में कोण पी 40 डिग्री का है, और यहाँ देखो ये ए बी भुजा, ध्यान देना बी सी भुजा 4 सेमी की है और ये पी क्यू भुजा 4 सेमी की है। तो ध्यान देना ये बी सी ये सर्वांशम किसके होगा, पी क्यू आर के, क्योंकि ये दो कोण है। देखो ध्यान देना ये बी सी है, आप ध्यान देना ये बी सी है दो भुजा वही कोण, ध्यान देना ये 4 सेमी हमारे पास में और ये मान लो हमारे पास में 5 सेमी है। इसी प्रकार देखो आप ये हो गया हमारे पास ए बी सी है, बी सी ए एबीसी लिख देंगे अपन, दो भुजा वो एक कोण, तो ये दो भुजा हो गया हमारा, एक कोण हो गया एबीसी। इसी प्रकार ये दो भुजा लेंगे हम, कौन सी लेंगे, एक तो होगी हमारी ये क्यू आर, ये 5 सेमी की 40 सेमी की बीच का कोण, ये 5 सेमी की, ठीक है। तो हमने ए बी सी लिया, ऐसा समझे 5 से 4 की तरफ गए हम, तो ये आर पी क्यू होगा, कौन सा होगा ये आर पी क्यू। अब देखो आप ए एस ए का नियम यानी कोण भुजा कोण का नियम, एक त्रिभुज के दो कोण तथा बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण तो बीच की भुजा के संगत बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांशम होंगे, अर्थात ये हमारा त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर है, इसमें ये दो कोण इसके बराबर है और ये बीच की भुजा बराबर है, कौन सी, यहाँ ए बी और यहाँ क्यू आर। तो देखो ये त्रिभुज एबीसी सर्वांशम क्यू आर पी। ए एस कोण 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 भुजा, एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के संगत बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांशम होते हैं। अब देखो बच्चों एबीसी ये 50 डिग्री 80 डिग्री, पी क्यू आर में ये 50 डिग्री 80 डिग्री, ये 4 सेमी और कितना है 4 सेमी, तो ए ए एस यानी दो कोण और एक भुजा, ये दोनों कोण इसके संगत बराबर है, 50 इसके बराबर 80 इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है यहाँ पे। तो आप ध्यान देना ये बी सी ये क्यू आर ये भुजा इसके बराबर होगी, ये कोण एक इसके पी के बराबर हो गया, कोण भी किसके बराबर है 80 के, तो लिखेंगे ए बी सी ए बी सी पी क्यू आर। तो एबीसी सर्वांशम किसके हो गया बच्चों, पी क्यू आर के। सर्वांशम त्रिभुज के लिए विशेष ध्यान देना आप कि इसको क्रम से लिखते हैं हमेशा, इनको क्रम से लिखना जरूरी।